हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है कि यूट्यूब के फाउंडर्स यूट्यूब को सबसे पहले एक डेटिंग वेबसाइट बनाना चाहते थे, और इस आइडिया को वर्क करवाने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट में एड्स डाल के लड़कियों से कहा कि आप अपने सिंगल होने के वीडियोस इस वेबसाइट पे अपलोड करो, जिसके बदले में फिर हम आपको $20 देंगे। बट अफसोस, इतना सब करने के बावजूद भी उनका ये आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने अपने इस डेटिंग वेबसाइट को एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, जो बहुत तेजी से फेमस होने लगा था। लेकिन इसके बाद भी एक के बाद एक करके यूट्यूब को बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोर्ट तक लाया कॉपीराइट केसेस के तहत, जिसके बाद यूट्यूब के पास उन कंपनियों को जुर्माना देने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी गूगल को 10,000 करोड़ में बेच दिया। लेकिन यार, इतने सारे केसेस चलने के बावजूद आखिर क्यों गूगल ने यूट्यूब को खरीदा? अब उस टाइम पे इतने कर्जे में होने के बावजूद आखिर क्यों गूगल ने यूट्यूब को कंटिन्यू किया? वेल, ये तो आगे आने वाली वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, उनके इस डिसीजन से उन्हें हर साल 1,00,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है। सो अब बात यह आती है कि आखिर गूगल ने ऐसे क्या चेंजेस किए कि यूट्यूब एक फेल्ड डेटिंग वेबसाइट से सीधा एक इंटरनेट वीडियो जायंट बन गया। लेकिन अभी यहाँ पर एक और बात यह है कि अब शायद यूट्यूब ज्यादा वक्त तक मे भी अपने इस मुकाम पर नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स, Amazon Prime, Disney Plus और न जाने कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। और यूट्यूब का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तो टिकटॉक है, जिसका 2020 में एनुअल रेवेन्यू 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा था, यानी यूट्यूब से डबल। क्या अब टिकटॉक यूट्यूब को ओवरटेक कर लेगा, या यूट्यूब फ्यूचर में भी इंटरनेट का वीडियो जायंट बना रहेगा? लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, अब यूट्यूब को गूगल के हाथों में क्यों सौंपा गया, ये जानने से पहले जानते हैं थोड़ा सा यूट्यूब के इतिहास के बारे में। यूट्यूब को पेपैल कंपनी में काम करने वाले 3 एम्प्लॉयज ने बनाया था, जो थे कैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करी। साल 2002 में जब ईबे ने पेपैल को खरीद लिया था, तब कैड हर्ली ने पेपैल को छोड़ दिया था। लेकिन ये तीनों फिर भी हर रोज मिलते थे और खुद की कंपनी स्टार्ट करने के आइडियाज डिस्कस करते थे। और यहीं पे उनका सबसे पहला आइडिया इंस्पायर्ड था हॉट और नॉट करके एक डेटिंग वेबसाइट से। उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे लोग खुद के बारे में और वो कैसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं उसके बारे में बोलकर अपनी वीडियोस डाल सके। अब उनका ये आइडिया था तो जरा सा हटके, लेकिन अफसोस उनको इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उन्होंने क्रेगलिस्ट वेबसाइट पर अपनी एक एड भी डाली लड़कियों से ये कहते हुए कि हमारी वेबसाइट पर अपनी वीडियो डालो और एक वीडियो के बदले हम तुम्हें पूरे $20 यानी ऑलमोस्ट 1,500 रुपए देंगे। लेकिन फिर भी नो रिस्पॉन्स। फिर उसके कुछ समय बाद जब स्टीव चेन के एक हाउस पार्टी में ये सब वापस से मिले और वहाँ पे निकले हुए कुछ वीडियोस को ये आपस में शेयर करना चाहते थे, तब उन्होंने ये देखा कि उस वीडियो की फाइल साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से वो उसे आपस में शेयर ही नहीं कर पा रहे थे, और ना ही उस वक्त कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो इसे अपलोड कर सकते थे। एंड बैम, तब जली उनके दिमाग की बत्ती, क्योंकि अब उन्हें फाइनली समझ में आ गया था कि उनकी इस वेबसाइट को वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद टडा, जन्म हुआ यूट्यूब का, एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लोग वीडियोस डाल के अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे यूट्यूब के यूजर्स के दिमाग में थोड़ा अलग प्लान चल रहा था। वो इन वीडियोस को सिर्फ पहचान वालों के साथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे। बस फिर एक के बाद एक फनी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल होते गए, और उसी बीच अक्टूबर 2005 में यूट्यूब पर पहली बार किसी वीडियो ने 1 मिलियन यानी 10,00,000 व्यूज क्रॉस कर लिए। और वो नाइकी की एक एडवर्टाइजमेंट थी, जिसमें ब्राजीलियन सॉकर प्लेयर रोनाल्डिनो नाइकी के गोल्डन बूट्स पहन के फुटबॉल के ट्रिक्स दिखा रहे थे। अब माइंड यू, वो पहली बार था जब दुनिया को यूट्यूब के मार्केटिंग पावर का अंदाजा हुआ। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि जब सारी चीजें सही चल रही थी तो उन्होंने आखिर यूट्यूब को बेचा ही क्यों? वेल, यूट्यूब पर नाइकी के एड्स और फनी वीडियोस तो वायरल हो ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे कई लोग यूट्यूब पर पायरेटेड गाने, वीडियोस और मूवीज भी अपलोड कर रहे थे, जिसके बाद फिर ऑब्वियसली यूट्यूब पर उन कंपनीज के और प्रोडक्शन हाउसेस के कॉपीराइट केसेस आने लगे। जहाँ सबसे पहला केस था NBC चैनल के एक सैटरडे नाइट लाइव के एक स्किट का, जिसका नाम था लेजी संडे। इस किट के कई सारे क्लिप्स यूट्यूब पर अपलोड किए गए थे और उन पर करोड़ों व्यूज आने लग गए थे। बट जब ये बात NBC को पता चली तो उन्होंने यूट्यूब को तुरंत वो सारे वीडियोस निकालने के लिए कह दिया। अब इसके अलावा भी यूट्यूब के सर पर ऐसे कई सारे एंटरटेनमेंट कंपनीज के लॉसूट्स थे, और सबसे बड़ा मसला तो ये था कि यूट्यूब उन सबको पैसे कैसे चुकाएगा, क्योंकि भले ही उस समय यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन चुका था, लेकिन तो भी उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। एंड टू एड ऑन टू इट, दिन भर लाखों वीडियोस अपलोड होने के कारण यूट्यूब के सर्वर्स उनको संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में यूट्यूब के फाउंडर्स ने अपने इस क्रिएशन को बेचने का ठान लिया, और उस समय यूट्यूब को खरीदने के लिए मैदान में काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। एंड देन नेक्स्ट यू नो, गूगल ने अपनी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी डील साइन की और यूट्यूब को पूरे 10,000 करोड़ में खरीद लिया।
चलो, गूगल ने यूट्यूब को खरीद तो लिया, लेकिन आखिर गूगल का यूट्यूब पे वीडियो जायंट बनने में क्या हाथ था? वेल, नंबर वन, गूगल ने किया हुआ सबसे पहला चेंज था कॉन्टेंट आईडी को इंट्रोड्यूस करना। अब जैसे ही YouTube Google के हाथों आया, तब सबसे पहले Google के एक्सपर्ट लॉयर्स ने YouTube के अगेंस्ट लगे हुए वो सारे कॉपीराइट केसेस जो थे, सारे लॉ सूट थे, उन सबको क्लियर कर दिया। अब यहीं पे अपने इस डिसीजन के लिए काफी लोगों ने Google को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि एक लॉ सूट से भरे कंपनी को खरीदने के लिए इन्होंने कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं दे दिए। लेकिन गूगल जानता था कि यूट्यूब ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसका क्या फ्यूचर हो सकता है, और उसी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अक्टूबर 2007 में इंट्रोड्यूस किया कंटेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम यानी कंटेंट आईडी, जिसके थ्रू यूजर्स आसानी से ही आइडेंटिफाई कर पाते थे कि उनके वीडियोस में कोई कॉपीराइट कंटेंट है या नहीं है, और अगर किसी की वीडियो में कॉपीराइटेड मटेरियल है तो उसकी वीडियो को तुरंत यूट्यूब से निकाल दिया जाता था। फिर इस फ्यूचर को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए गूगल ने 2007 में यूट्यूब को 9 कंट्रीज में लॉन्च किया और साथ ही लॉन्च किया यूट्यूब की मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके बाद किया उन्होंने यूट्यूब पे सेकंड लार्जेस्ट चेंज जो था रिकमेंडेशन एंड सर्च एल्गोरिदम। अब इस एल्गोरिदम के थ्रू यूट्यूब व्यूअर्स के डेटा और उनके वॉच हिस्ट्री को एनालाइज करके उन्हें वीडियो सजेस्ट कर रहा था, जिसके कारण यूट्यूब का ओवरऑल वॉच टाइम और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बस एक ही वीडियो देखने आया हुआ इंसान भी अब बाजू में ऐसे ही सिमिलर रिकमेंडेड वीडियोस को देखते जा रहा था। इनफैक्ट अब मानोगे नहीं, लेकिन 70% लोग यूट्यूब पर क्या देखना है ये रिकमेंडेशंस को देख के ही वो डिसाइड करते हैं। अब इस चीज से यूट्यूब के यूजर्स और वॉच टाइम तो बढ़ गया, लेकिन फिर भी यूट्यूब या फिर गूगल को इससे कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था। और तब जाके गूगल लेकर आया अपना थर्ड लार्जेस्ट चेंज जो था एडसेंस। गूगल ने एडसेंस इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण यूट्यूब वीडियोस के साइड पर एड्स आने लग गए और यही एड्स यूट्यूब के कमाने का जरिया बन गया, और ब्रांड्स के लिए भी यूट्यूब पर एडवर्टाइज करना प्रॉफिटेबल निकला, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूट्यूब पर किसी भी प्रोडक्ट की एड देखने के बाद 70% लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। फिर इस प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए गूगल ले आया यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जिसके थ्रू अब क्रिएटर्स अपने चैनल्स और अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते थे। इससे क्रिएटर्स अपने वीडियोस पर दिखने वाले एड्स से पैसे अर्न कर रहे थे, और यूट्यूब के इस रेवोल्यूशनरी स्टेप ने ऐसे करियर्स को जन्म दिया जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, यूट्यूबर्स का करियर। और वैसे भी उस टाइम पर बहुत कम ही ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ पे लोग बिना अपना पूरा बिजनेस सेटअप किए ऑनलाइन कंटेंट को अपलोड करके पैसे कमा सकते थे। अब इससे अपने पहले ही साल में क्रिएटर्स 6-digit फिगर्स में कमाने लगे थे, और इनफैक्ट आज भी ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कई सारे क्रिएटर्स हैं जो करोड़ों रुपए बस सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे, जैसे कि 9 साल का रायन काजी जो हर साल यूट्यूब से 200 करोड़ कमाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी भी खड़ा है, क्या YouTube ऐसे ही चेंजेस लाते लाते अपना नंबर वन वीडियो स्ट्रीमिंग का टाइटल बनाए रखेगा या कोई और उसे ओवरटेक कर लेगा? चलो तो सबसे पहले ये जानते हैं कि YouTube को खतरा किस किस से है और YouTube ये OTT प्लेटफॉर्म से आगे रहने के लिए क्या क्या कर रहा है। अब आज की तारीख में Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney Plus जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स दिन ब दिन बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं, और इसीलिए ये YouTube के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए अपने कंटेंट को और ज्यादा हाई क्वालिटी बनाने के लिए यूट्यूब ने 2011 में 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके कई सारे सेलिब्रिटीज और प्रोडक्शन कंपनीज के साथ मिलकर खुद का एक यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट बनाया, और इनके इस मास्टर प्लान का अगला स्टेप था यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें उन्होंने पहली बार YouTube म्यूजिक, YouTube प्रीमियम और YouTube ओरिजिनल्स को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर लोग बिल्कुल एड फ्री ओरिजिनल कंटेंट देख सकते थे। लेकिन अब इसको इतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, क्योंकि YouTube को लोग हमेशा से एक फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग साइट के रूप में ही देखते आ रहे हैं, और वैसे भी एड ब्लॉकर्स के जमाने में एड से तो किसी को इतना कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है। इसीलिए अब YouTube प्रीमियम के बस कुछ 300 लाख ही सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि टोटल YouTube यूजर्स 230 करोड़ है। पर फिर भी YouTube को Netflix या फिर प्राइम की इतना ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि हाल ही में मार्केट में आया है YouTube का नया कॉम्पिटिशन, और वो है TikTok। नहीं, ये सब मैं कैरी मिनाटे की YouTube वर्सेस TikTok वाली वीडियो के बेसिस पर नहीं बोल रही हूँ, बल्कि ये तो स्टेटिस्टिक्स का ही कहना है। अब भले ही इंडिया में TikTok बैंड है, लेकिन हम सबको पता है कि उस टाइम पे इंडिया में TikTok का कितना ज्यादा क्रेज था, और ये क्रेज सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, बल्कि आज भी दुनिया भर में TikTok के 100 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। एंड माइंड यू, ये सारे यूजर्स TikTok ने सिर्फ 3 साल में जमा किए, जबकि Instagram पर 100 करोड़ यूजर्स आने के लिए पूरे 6 साल लगे थे। बट यार, TikTok के इतना ज्यादा फेमस होने के पीछे का रीजन क्या है? वेल, इसका रीजन ये है कि TikTok ने हमारे अटेंशन स्पैन को छोटा कर दिया है।
इस ऐप के थ्रू यूजर्स को सिर्फ 30 सेकंड के ड्यूरेशन में ही फनी, एंटरटेनिंग और सैटिस्फाइंग कंटेंट देखने को मिल जाता है। और दूसरा रीजन है उनका यूनिक एल्गोरिथम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के हेल्प से यूजर के इंटरेस्ट और वॉच हिस्ट्री को अच्छे से जानता है। जैसे कि यूजर को किस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है, वो किन वीडियोस पर लाइक करता है और उसने किन अकाउंट्स को सब्सक्राइब करके रखा है, और फिर इसके बेसिस पर टिकटॉक का एल्गोरिथम उस यूजर के लिए एकदम परफेक्ट कंटेंट ढूंढ के निकालता है और उसके टाइमलाइन पे दिखाता है, जिससे फिर यूजर अपना मनपसंद कंटेंट बैक टू बैक देख सकता है। इनफैक्ट आज टिकटॉक का एनुअल रेवेन्यू 5,000 करोड़ है, जबकि यूट्यूब का एनुअल रेवेन्यू उसके कंपैरिजन में 2020 में कुछ 1970 करोड़ था। So, अब यार क्या ये पॉसिबल है कि टिकटॉक को यूट्यूब ओवरटेक कर लेगा? अब यहाँ पे बात ही आती है कि टिकटॉक में भी कुछ पल के लिए फन के लिए अच्छा हो, लेकिन वो यूट्यूब से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आज की तारीख में यूट्यूब लगभग 91 देशों में और 80 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और google.com के बाद ये सबसे ज्यादा विजिटेड साइट है। इसके अलावा यूट्यूब पर हर मिनट 500 आवर्स के वीडियोस अपलोड होते हैं और रोज लोग 100 करोड़ घंटे यूट्यूब के वीडियोस देखने में बिताते हैं। अब इतना डेली वॉच टाइम तो नेटफ्लिक्स और अमेज़न को मिलाकर भी नहीं होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि टिकटॉक का एल्गोरिथम फेमस और पॉपुलर वीडियोस को ही ऊपर पुश करता है, और ज्यादातर उनमें लिपसिंग वाले वीडियोस या फिर नए नए कपड़े चेंज करने वाले ट्रेंड वाले वीडियोस ही दिखाई देते हैं। पर यूट्यूब का एल्गोरिथम अच्छे कंटेंट और अच्छे क्रिएटर्स को भी पुश करता है, और इसीलिए जब लोग यूट्यूब पे कुछ भी चीज सीखने आते हैं तो उनके सामने वैसा ही एजुकेशनल कंटेंट भी आता है, जिससे फिर वो लोग जो कुछ नया सीखने आ रहे हैं उनको भी वैल्यू प्रोवाइड होता है। इनफैक्ट यूट्यूब पे तो आपको सब मिलेगा, फनी कैट वीडियो से लेकर कार का टायर कैसे चेंज करने तक, लोग टाई कैसे पहनते हैं से लेकर स्पेस में कौन से न्यू प्लैनेट्स ढूंढने गए, ये सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखने मिलते हैं। और इनफैक्ट यूट्यूब का ज्यादा बड़ा वीडियो ड्यूरेशन भी एजुकेशनल और लर्निंग वीडियोस के लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि ऑब्वियसली आप छोटे वीडियो ड्यूरेशन में चीजें सिखा तो सकते हो, लेकिन बड़े में आप बहुत सारी चीजें सिखा सकते हो और बहुत ही डिटेल में जा सकते हो। सो इसीलिए हाँ, मे बी टिकटॉक अभी एक शॉर्ट स्पैन में ज्यादा यूजर्स गेन कर चुका है, लेकिन उसके पास वो नहीं है जो यूट्यूब के पास है, एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज। अब ऑब्वियसली अनलेस टिकटॉक भी अपने एल्गोरिथम को चेंज करे या फिर पॉलिसीज को चेंज करे तब तक, बट तब तक के लिए इतनी बात तो श्योर है कि अगर आपको एंटरटेनिंग और नॉलेजेबल कंटेंट एक साथ चाहिए तो वो आपको सिर्फ यूट्यूब में ही मिलेगा, जैसे कि आपको गैजेट प्लेटफॉर्म में मिलता है। सो इसीलिए अगर आपको आज के वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, आपको थोड़ा सा भी मजा आया, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। क्या आपको फ्लोन का ये रीसेंट टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, या फिर मे बी आपको कोई नया चेंज चाहिए, या फिर आपके पास कोई टॉपिक सजेशंस है, जो भी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, आई वुड लव टू नो। और इसके अलावा ऐसे ही फ्लर्न यानी फन लर्निंग करते रहने के लिए मेरे चैनल गैजेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो और नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ, वरना आप फ्लोन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।